वहीं से रविंद्र जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में भी देख रहे हैं कि 2500 के नीचे कारोबार दर्ज किया जा रहा है। हालांकि 2500 का लेवल टच करते करते रह जा रहा है बिनौला खल हर बार ही, देख रहे हैं कि 10 से 15 पॉइंट की दूरी हर बार मिस हो जाती है। आपको क्या लग रहा है अब यहाँ से बिनौला खल में ये जो 2500 का लेवल है कब तक अचीव हो पाएगा और आगे कितनी और तेजी देखने को मिल पाएगी अगर बिनौला खल में 2500 का लेवल अचीव हो जाता है तो? देखिए कोकुड़ की बात करें तो कोकुड़ में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे, चांसेस ये लग रहे हैं कि यहाँ से अपर साइड में 25-10 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक करने पे प्राइसेस जो है ये 26-60 और 27-30 की तरफ मूव करेंगे। पोजिशनल यही लग रहा है कि अपर साइड यहाँ से देखने को मिल सकती है कोकुड़ में। सपोर्ट जो है ये 2400 के अराउंड है और जब तक ये प्राइसेस 2400 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि अपर साइड में 2660 को ब्रेक करके ये प्राइसेस जो है पोजिशनली 2800 और 2700 के लेवल को मूव कर सकते हैं। जी तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन उनका 2500 के ऊपर निकलना बेहद आवश्यक है तभी बिनौला खल की कीमतों में 2600, 2700 और 2800 तक के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे।